हौसला हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। यहाँ पर जो लोग आए हैं देश के अलग अलग कोनों से आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी दिल्ली नहीं आए, कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे, लेकिन उनकी आंखों में भी एक सपना है कि वे एक दिन सफल हों, सिविल सेवा की परीक्षा क्रैक करें। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, द इनिशिएटिव इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। आई फील इट इज द प्रोडक्टिव टाइम आई हैव एवर यूटिलाइज्ड इन एनी कॉन्क्लेव, सो थैंक यू सो मच डायनामाइट यूथ कॉन्क्लेव। आई थिंक इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, अ लॉट ऑफ माय डाउट्स क्लियर्ड। इट्स अ वेरी एनरिचिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड इट्स वेरी डेमोक्रेटिक इन द सेंस दैट ऑल द क्वेश्चंस दैट पीपल आस्क्ड वर आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल एज कुड बी केटर्ड टू विद इन द टाइम कंस्ट्रेंट। आई एम फ्रॉम बिजनौर उत्तर प्रदेश, इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस टू हियर द डिग्निटरीज प्रेजेंट ओवर हियर विद स्पेशली फ्रॉम ऑनरेबल सेक्रेटरी टू प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर संजय कोठारी सर। आई एम फ्रॉम कर्नाटका, इन कर्नाटका चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट। मतलब बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज कॉन्क्लेव था, मोर ओवर इट वॉज ए ऑन एन इंक्लूसिव प्रोग्राम रिगार्डिंग एवरीबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी मस्ट एक्चुअली अटेंड दिस काइंड ऑफ कॉन्क्लेव्स दैट आर बीइंग हेल्ड बाय डायनामाइट न्यूज़। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। गड़बड़ ये होती है कि आप हिंदी मीडियम से हो तब भी आपकी हिंदी अच्छी नहीं है। इंटीग्रिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई कितना भी ब्रिलियंट हो, कोई कितना भी अच्छा हो। यू स्टार्ट राइटिंग वन पेज, अरे हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, डोडा डिस्ट्रिक्ट। आज के इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए पहले तो मनोज टिबरेवाल जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा। मैं यूपी में जिला मुरादाबाद के थाना भगतपुर का रहने वाला हूं। साथियों, हम प्रयागराज यूपी से आए हैं सर, और वहाँ के हर एक स्टूडेंट में यूपीएससी की ऐसी भावना जागती है। कोचिंग भी नहीं है, बस घर पे ही तैयारी कर रही हूँ। यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना क्राउड यहाँ पर आएगा, और जब मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे जैसे बहुत सारे छात्र आए हैं, नए इंस्पायर्ड जितने भी हैं जो नई अपनी प्रिपरेशन अब शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, अनु मैम एंड अदर मैम क्लियर्स माई डाउट। मैं कानपुर से आई, और ये जो कॉन्क्लेव है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जैसे यहाँ हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट भी हैं और मैम ने बताया कि हमें कोचिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, हमें खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। मैं 100% संतुष्ट हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आके, स्पेशली ईरा मैम का सुन के बहुत इंस्पायर किया उन्होंने। मैं उत्तराखंड रामखेत से आया, और ने फेस टू फेस देखा, आज तक उसे यूट्यूब पे देखते थे, हम लाइव देखते थे, बट आज रियल में सबको देख के काफ़ी अच्छा लगा। और ये डायनामाइट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएट है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि हमें बहुत हेल्पफुल होगा आगे फ्यूचर में। ये कॉन्क्लेव बहुत ही अच्छा था, और यूथ के लिए ये डायनामाइट न्यूज़ ने जो कराया। मैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से आया हूँ, और यहाँ आकर के बहुत प्रसन्नता हुई। वर्कलोड और वर्क के साथ कैसे मैनेज किया जाए, डायनामाइट न्यूज़ को थैंक्स कहना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम हमेशा होने चाहिए। जैसे मुझे बहुत सारे डाउट्स थे कि मतलब ग्रेजुएशन के दौरान हमको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, तो वो सारे मैम जो आई थी, अनु मैम, इरा सेंगल मैम, नंदिनी मैम, तो इन सब से मुझे मतलब जो डाउट थे वो सारे क्लियर हुए, और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी मिला, और थोड़ा मोटिवेट भी हुए कि हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो सवाल ट्विटर पे इस समय हमारे लिए ट्रेंड कर रहे हैं। आई एम आकांक्षा यादव एंड आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। ये हमारा नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज थी, यहाँ पर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना नहीं। मेरा नाम राधा जाटव है, मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ जेएनयू से।